इस समय आप दृश्य तो सामने यस चेतन समाज का 2023 ओवर है। मी एज प्रेजिडेंट इज द रिटर्न कैंडिडेट। मेरे साथ वाइस प्रेजिडेंट अमित गुप्ता जी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब इधर हैं, कैशियर इन जॉइंट सेक्रेटरी ऑल्सो। आपने सही कहा, जिम्मेवारी नहीं है, बट जिम्मेवारी है तो उसको डिस्चार्ज करने का रिजॉल्व भी है। और ये आप देख सकते हैं जिस किस्म का वलवला हमारे सपोर्टर्स में है, इस जिम्मेवारी को निभाने में ये सारे बार मेंबर्स हमारे साथ शाना बशाना है और हमको पूरा यकीन है कि हम इसको निभा पाएंगे। जम्मू की अगर बात, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हिस्ट्री से वाकिफ है तो आपका ये सवाल मिसप्लेस्ड है, क्योंकि बार एसोसिएशन हमेशा से एक नेशनलिस्ट सेक्युलर क्रेडेंशियल लेके आगे बढ़ी है। रही बात जम्मू की और जम्मू के लोगों के हित की, बार एसोसिएशन को हमेशा से आंका जाता है कि जब जम्मू के लोग अपने आप को फेल्ड फील करते हैं बाकी जगह पे, तो उस वक्त लास्ट रिजॉर्ट में बार एसोसिएशन जम्मू हमेशा से आगे आई है और जम्मू के लोगों की हित की बात रखी भी है और उसको अटेन भी किया है। एग्जीक्यूटिव के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी चार्ज टेक ओवर किया, कुछ एक बर्निंग इश्यूज जो हमारे सामने हैं वो एग्जीक्यूटिव बनेगी, हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर जनरल हाउस की है, बट कोशिश करेंगे कि हम परसुएड कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस इशू को भी इस तरीके से रिजॉल्व किया जाए कि बार मेंबर्स का कंसर्न भी रिड्रेस हो। सर, आज टेक ओवर किया है आपने, क्या एक मैच करुण शर्मा साहब और उनके साथी जो चुन के आए हैं वो आज उन्होंने आज हमारे से चार्ज टेक ओवर किया है। मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे वाली जो इश्यूज हैं उनको लेकर के आगे बढ़ाएंगे और चलें। जिस तरह से दो दिन पहले से पहले भी कहा था कि जम्मू की जनता के अगर कोई भी मुद्दे होंगे हम बार एसोसिएशन जम्मू शाना बशाना खड़ी। अब टीम नई का गठन हुआ है, जिम्मेदारियां नहीं होंगी, पर क्या आप उनके उनको नेतृत्व करेंगे सर? बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। जो टीम नई इलेक्ट होके आई है आप उनसे बातचीत करिए, वो आपको आपसे इंटरेक्ट करेंगे, अपना व्यू देंगे और बार का जो व्यू पॉइंट है वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे।